सपा भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने लगे मोदी मोदी और चौकीदार चोर है के नारे। खजुराहो लोकसभा में सपा और बसपा समर्थकों द्वारा सपा प्रत्याशी वीर सिंह के समर्थन में आज नामांकन के दौरान काफी गर्मा गर्मी दिखी। वीर सिंह पटेल के समर्थकों ने जोर जोर से चौकीदार चोर है के नारे लगाए। खजुराहो लोकसभा से 3 प्रत्याशी अपनी पुरजोर कोशिश पर लगे हुए हैं। कांग्रेस से कविता सिंह, भाजपा से बीडी शर्मा और सपा से वीर सिंह पटेल दमखम से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महागठबंधन है, इस गठबंधन में जो हमारे कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी और बसपा के, उनको अपार उत्साह है और निश्चित रूप से गठबंधन खजुराहो लोकसभा से चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगा। लगभग कितने समर्थक आपके साथ में मौजूद रहे? देखिए, हमारे समर्थक तो कई हजारों की तादाद में समर्थक मौजूद रहे, कुछ लोग नहीं भी आ पाए, बाद में आ पाए, और काफ़ी समर्थक मौजूद रहे और काफ़ी उत्साह रहा। और इसी उत्साह के साथ 6 मई को जो दबे कुचले और जो मतलब गरीब लोग हैं वो लोग वोट डालेंगे, किसान वोट डालेगा, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। यहाँ पे राजा रजवाड़ों का गढ़ है, उसको कैसे भेज पाएंगे आप? देखिए, गरीब जनता है, जो किसान है, जो बेरोजगार है, वो समाजवादी पार्टी बहन मायावती जी की तरफ देख रहा है। अब कोई रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, अब जनता की ओर से राजा पैदा होता है और 6 मई को जनता दिखा देगी कि कौन राजा बनेगा। सपा प्रत्याशी ने कहा कि इस बार देश की जनता अपना भावी प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती को देखना चाहती है। देश में व्याप्त अराजकता की वजह से जनता ने अपना मन बना लिया है। चौकीदार ने देश को लूटने के सिवाय कुछ काम नहीं किया। मेरा नाम बिमला अहरवार है, पन्ना विधानसभा की मैं प्रभारी हूँ और महागठबंधन को का मैं सम्मान करती हूँ। ये बहुत बड़ी ताकत है और ये ताकत एक इतिहास बनेगी, क्योंकि पहले 100 से दलित समाज बस मिलकर, मतलब मेरा SC समाज बस मिलकर लड़ता था, अब हमारा OBC समाज हमारे साथ है, सभी लोग SC ST OBC हम सब मिला के 85% हैं। हम सभी लोग अपने बहन जी को PM बनाएंगे और हम सब ने ठाना है कि बहन जी को PM बनाना है और महागठबंधन को वोट करना है। आपका परिचय? मैं शंकरलाल अहिरवार, लोकसभा प्रभारी बसपा। आज पन्ना में खजुराहो लोकसभा सपा प्रत्याशी द्वारा नामांकन किया गया, क्या कैसा माहौल दिखा? देखिए, यहाँ पर जो माहौल दिखाई दिया है, जो पब्लिक इकट्ठी हुई है और इस पब्लिक को 70 साल हो गया इस दोनों पार्टियों को देखते देखते, अब महागठबंधन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एवं अखिलेश जी, देखिए यहाँ की जनता इन लोगों को इस प्रकार से जवाब देना चाहती है जिस प्रकार से फूलपुर और गोरखपुर में दिया है। इसी प्रकार से खजुराहो की जो लोकसभा सीट है, यहाँ की जनता हर समाज सर समाज की पार्टी है जी, और सर समाज का रूप उब चुकी है भाजपा और कांग्रेस से। इस प्रकार से महागठबंधन एक बहुत बड़ी शक्ति है, तीसरी पार्टी एक बहुत बड़ा चेहरा उभर के आई है महागठबंधन। ये देखना है कि जो लोकसभा का चुनाव जो माननीय वीर सिंह पटेल जी इतनी मतों से जीतेंगे कि जो कांग्रेस और भाजपा के हैं इनकी जमानत जब्त हो जाएंगी। सर, आपका सुनना। मैं पुष्पेंद्र सिंह यादव, हमीरपुर महोबा का सहकारी का जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष था और मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर, और मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। आज खजुराहो लोकसभा प्रत्याशी जी ने नामांकन किया है, तो क्या कैसा आपको जनाधार लग रहा है? पार्टी ने मुझे यहाँ पर खजुराहो लोकसभा की जिम्मेदारी दी है चुनाव संचालन के लिए। आज का जो माहौल और जो उत्साह है लोगों का यहाँ पे था, आज शायद मध्य प्रदेश में हम लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी जो लोगों को आज हमें उत्साह देखने को मिला। ज़बरदस्त माहौल है सपा बसपा के हमारे शानदार प्रत्याशी भाई वीर सिंह जी के पक्ष में, और ऐसा माहौल जिस माहौल को देख करके आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहीं ना कहीं बुरी तरीके से विचलित हो गए हैं। नहीं, जो आज जो चौकीदार चोर है के नारे लगाए, इससे क्या संदेश जाएगा लोगों? निश्चित तौर पर लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि आज देश के जो चौकीदार बने बैठे हैं, उन्होंने देश के किस तरीके से खजाने पर चोरी करने का काम किया है। जो चौकीदारी की बात करते थे, वही सबसे बड़े चोर निकले हैं।
आपका परिचय क्या है सर? मैं दशरथ सिंह यादव और पहलवान करके मुझे नेशनल प्लेयर हूँ। मैं समाजवादी का पूर्व प्रत्याशी पन्ना साहब से सफा। अभी समाजवादी पार्टी से श्री वीर सिंह पटेल जी ने नामांकन दाखिल किया, तो अपने यहाँ से कितना यादव समाज का वोट मिलेगा? अच्छा मिलेगा, बहुत कितना अच्छा। लगभग संख्या में हमारे यहाँ से 80% वोट मिलेगा। तो कैसी क्या तैयारी करेंगे? पूरी जी जान से तैयारी करेंगे। हम जो गठबंधन है उसका बहुत बड़ा सम्मान करेंगे। और ये यहाँ खजुराहो का तो चुनाव है, लेकिन देश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। तो मोदी लहर यहाँ भी फैल दिखेगी? नहीं नहीं सर, फैल वो तो प्रत्याशी। अच्छा आप सुनिए, धन्यवाद। ये प्रत्याशी आज मुरैना से आए, आप बताएं कि लोकतंत्र में आज हमें अपने चुने हुए व्यक्ति का यही जरूरत है। हम फोन करेंगे तो मुरैना तो नहीं जाएंगे, इसलिए इनसे बड़े सामंतवादियों से छुटकारा पाने के लिए हमारे वीर सिंह भाई ही हमारे बगल के हैं। ये पहाड़ी खेड़े से बगल के हैं, चित्रकूट कोई दूर नहीं हमसे, और बराबर साथ देंगे। और हम बिल्कुल तन्मयता के साथ हमारे और बहुजन के साथ ही सब साथ देंगे। खजुराहो से तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।